أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم। आज ईद मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफी मोहम्मद याकूब शहीद गवर्नमेंट हाई स्कूल डायरी वाला फैसल शरीफ में इनकार पजीर है। आज की इस रूहानी व बबरकत महफिल पाक के मेहमान खुसूसी हैं पीर तरीकत रहबर शरीयत सरमाए आले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हबीब और रहमान महबूबी साहब सजदा नशीन आस्ताने आलिया फैसल शरीफ। जनाब की बिरा पीर साहब को आपको इस महफिल पाक में अमन पर सूफी मोहम्मद याकूब शहीद गवर्नमेंट हाई स्कूल डांगरी बाला फैसपुर शरीफ के तमाम साजा कराम और तलबा की तरफ से दिल के थक रहियों से खुश आमदेद कहते हैं। जनाब मोअज्ज़ज़ उलमाए कराम, प्रेस के मोअज्ज़ज़ नुमाइंदेगान, सूफी मोहम्मद याकूब शहीद हाई स्कूल की तालीमी कमेटी के अरकान, गवर्नमेंट हाई स्कूल पनियाम के सदर मौलम जनाब हाफिज नवीद अशरफ साहब, जनाब पीटी राजा आफ्ताब गुलकियानी साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल डांगरी बादर के उस्ताद मोहतरम जनाब अहमद फराज साहब और तमाम मुजीन इलाका गिर्द दूधरा से हुए मुजीन इलाका, आप सबको भी इस महफिल पाक में अमन पर हम दिल की थाग्रहियों से खुशामदीद कहते हैं। हम आज की दूसरी निश्त का बाकायदा तौर पर आगाज अल्लाह ताला के बबरकत कलाम कुरान मजीद से करते हैं और तलावत कुरान मजीद पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे अदारा हाजा जमात दाम के तालिब इल्म मोहम्मद जंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो, स्याही गुनाहों की दिल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो, वो है हयू कयूम शहरग से नजदीक, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो, खुदा खुद खरीदार होगा तुम्हारा, शहादत के बाजार जाकर तो देखो, जमी की तुम्हें बादशाही मिलेगी, अलम ला इलाका उठा कर तो देखो, महकने लगे रूह दिन शाद होगा, कली जिक्र रब की खिला कर तो देखो, महकने लगे रूह दिल शाद होगा, कली जिक्र रब की खिला कर तो देखो, तलाला
शेरों का गुलशन है शायद भरो जोलिया मुस्कुरा कर तो देखो वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। ये थे जमात अष्टम के तालिबे इल्म रेहान अली जो हमद बारी ताला पढ़ने के साथ हासिल कर रहे थे। आपने नारों का आवाज बुलंदा पीर साहब जिक्र नबी में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे में रात जो गुजरे उससे बेहतर रात नहीं और तो कर सरकार की तुप पर कैसी खास अनायत है कौसर तू है उनका सना खां ये मामूली बात नहीं। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल करेंगे जमात दाम के तालिबे इल्म अबू बकर अमजद। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के हित्ते हुदा तुझको रखे मदीने के हित्ते हुदा तुझको रखे गरीब फकीरों के ठहराने वाले गरीब फकीरों के ठहराने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत बरसता नहीं देख कर अबरे दो पर भी बरसा दे बरसाने वाले बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा का मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते अपने मंग तू की वो फहरी
रखते मुझे अपने मंग तू की वो फहरिस्त में रखते मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे हर ऐब की करते परिदा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो परिदा पोशी मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मौला रसूल अहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम जनाब मोहतरम किबला फी साहब मस्जिद साजा कराम और मेरे तालिब इल्म साथियों अस्सलामु अलैकुम आज मुझे जिस मौजू पे तकरीर करने का मौका मिला है उसका अनवान है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते या पढ़ते हैं डेट ऑफ बर्थ जिसके उर्दू में माना है तारीख पैदाइश जिसे अरबी में मिलाद कहते हैं ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार करना है क्योंकि ईद के माना ही खुशी के हैं इसी मकसद के लिए इत्मा इकता पर प्रोग्राम मनाना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना जमाल और कमाल का जिक्र करना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र करना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र करना ईद मिलाद नबी का जुलूस निकालना महफिल का इनेकाद करना हाँ मिलाद कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो या सीरत कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो दर हकीकत हमें कौम आलम को यह बताना है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन वो मुबारक दिन है जब मौसम कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए अल्लाह पाक फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और रहमत में लोगों को चाहिए उसी करें हुक्म इलाही है और हमारे आका तो रहमतुल लिल आलमीन है लिहाजा साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के का जिक्र करना ईद मिलाद नबी के जुलूस निकालना महफिल मुनक्कद करना घर के हर जायज तरीके से उसी का इजहार करना हुक्म कुरानी पर अमल है अलबत्ता इस मौका पर गम सिर्फ शैतान और इसके पैरोकारों को होता है शायर ने क्या खूब तर्जमानी की निसार तेरी चहल पहल पे हजार हुई थे रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पे हजार हुई थे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वस्सलाम माशाल्लाह ये थे जमात अफ्तम के तालिब इल्म फैजान कदीर जो अपने अज़ान का ख्याल कर रहे थे बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे
करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अब इजहार ख्याल के लिए आएंगे जमात नाहम के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन। जड़े लोग सच्चे बूंदा फजल दियां नौते किंदियां नहीं दाज काज सुहाग दियास रखन सिदक नाल जो तानियां तंदियां नी गफलत वालियां दे कम बिगड़ जांदे गल्लां सिद्धियां पुट्टियां बंदियां नी आलम शाद ना फरमागे मंजी सुत्तियां दियां कट्टे जंदियां नी रसूल करीम अम्माबाद इंतई इस के लायक मेरे मुर्शिद पाक जनाब पीर मोहम्मद हबीब रहमान महबूबी साहब मोहतरम नवीद अशरफ साहब सदर मोहल्लम गवर्नमेंट हाई स्कूल पनियाम सदर मोहल्लम साहब मोजज मेहमान ग्रामी और अजीज तलबा प्रिंट मीडिया से तलक रखने वाले मेरे मोजज दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हम पर इस अदारे पर कि हर साल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अदारे में मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान पाक में वरफ़ाना लका ज़िक्रक के हबीब मैंने ज़रा ज़िक्र बुलंद कर दिया है तो हम अपनी सआदत के लिए अपनी खुशबख्ती के लिए ये दिन मनाते हैं ताकि अल्लाह ताला की ज़ात हम पर अपनी बरकतें नाजिल करे। आज की ये महफिल ये बाबरकत महफिल हमारे लिए इसलिए भी खुशाइन है कि जनाब मेरे मुर्शिद पाक पीर साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं इनकी मौजूदगी में हम इन्हीं का बयान सुनना चाहते हैं। इससे कबल तो हम अब इजहार ख्याल के लिए मैं दावत दूंगा अरबी मोल्लम अदारा हाजा जनाब मौलाना मोहम्मद मारूफ मुमताज साहब को। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المكرم والمحتشم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मिलकर दुरूद पाक पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जनाब इज्जतों के लायक परवरदाए बज़्मे विलायत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा वल फ़ज़ला सय्यदी व सनदी जनाब पीर हबीबुर रहमान महबूबी साहिब। हमने अपने आका की सीरत को अपनी ज़ात पर नाफिज़ करना है।
अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और किबला पीर साहब आज हमें जो पैगाम दें हम इस पैगाम को अपनी जात पर नाफिज करें, और सारी जिंदगी के लिए याद रखें कि आज इस दिन के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर एक इज्तिमा का इनेकाद हुआ था और उसमें किबला पीर साहिब ने हमें ये पैगाम दिया कि हमने अपनी जिंदगी यूं गुजारनी है और ये बुरे काम नहीं करने, ये अच्छे काम करने हैं, अपने आकर साहब की इन तालीमात को हमने मद्देनजर रखना है। अल्लाह तबारक फिक्र आखिर अता फरमाए और महाफिल मिलाद के मकासद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वह आखिर दावा अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना मोहम्मद मारूफ मुमताज साहब इदारे हल कर रहे थे। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे अदारा में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम तरतीब दिया गया, और ये भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे इस अदारा में हमारी इज्जत अफजाई के लिए जनाब किबला हजरत पीर साहब यहाँ आए। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का मुझको सदका लगता है, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। आप खुसूसी खिताब फरमाएंगे जनाब की किबला हजरत साहब, आपकी आमद से पहले जनाब हजरत किबला पीर साहब وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله एक बार फिर मोहब्बत से आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलाम अलैके और दीगर इदारों से तशरीफ़ फरमा हमारे मुअल्लिमीन और जो सुदूर मुअल्लिमीन हैं तलवगर हैं, अल्लाह ताला इन सब की आमद को हमारे लिए बायस बरकत भी बनाए और हम सब के लिए जो इन्होंने अब तक पैगाम दिए हैं अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू तो नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी बातें हाजिरी के तौर पर पेश करूँ। एक तो जो मैंने कुरान करीम फरकान हमीद से जो आय करीमा तिलावत की है इसका कुछ मफहूम हासिल इस तरह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ बेशक महबूब आप खुल्क़ अज़ीम पर हैं। अला खुल्क़िन अज़ीम ये समझने की बात है कि अला खुल्क़िन अज़ीम, अला का माना होता है ऊपर, खुल्क़ अज़ीम पर हैं। और उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस तरकीब का मफहूम कुछ इस तरह है कि ए प्यारे खुल्के अजीम आपकी हर आदत, आपकी पूरी सीरत जो है वो अख़लाक़े अजीमा का मजमूआ है, बिला तकल्लुफ़ आपसे जो चीज़ सादर होती है वो खुल्के अजीम है। और खुल्के अजीम के बारे में पूछा गया उम्र में आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आपने फरमाया कि खुल्के अजीम का पूछते, और ये सारा कुरान हुजूर का खुल्के अजीम ही है, तो कुरान करीम को खुल्के अजीम फरमाया।
कि ये सारा कुरान करीम खुल्क अजीम है। हुजूर का खुल्क क्या था? कुरान करीम। ये जितनी भी तालीमात हैं कुरान करीम की, जिसके बारे में फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, ये वही बाअज़मत किताब है, इसमें कुछ शक नहीं, और ये हदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी जो इससे हदायत हासिल करता है वो मुत्तकी बन जाता है, वो परहेजगार बन जाता है। मैं बहुत खुश हुआ ये देख कर के कि हमारे इंतज़ामिया ने, मिलाद कमेटी ने बड़ा हसीन तरीके से आज की महफिल को सजाया बनाया, और फिर हमारी पाकिस्तानी अफवाज की, जो हमारी पाक फौज है, उसकी याद इन्होंने ताज़ा कराई। बताया ये कि हमारे इदारे जो हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला वो इससे अच्छे सियासी इक्तदार के लिए भी, और फिर बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए भी मुजाहिदीन तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। और ये एक अच्छा एक मैसेज है जो दुनिया को जाएगा कि फैज़पुर शरीफ का ही स्कूल के साथ साथ इंतहाई महारत के साथ ये काम कर रहे हैं कि दीन की महाफिल भी कायम करते हैं ये भी, और साथ अपने मुल्क की खिदमत के लिए भी पूरी तरह से कोशा हैं और पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अल्लाह ताला सबकी ये कावश कबूल फरमाए। और ये वो अखलाक हैं, आप देखें इन नौजवान बच्चों ने, जब मैं आया आप आए, देखा आपने इंतहाई सलीके के साथ, फौज में तो ट्रेनिंग होती है बड़ा लंबा अरसा, उसके बाद वो कहीं संभलते हैं, फिर वो अलर्ट होते हैं, फिर उन्हें जब भी वो उनकी जुबान बोली जाती है उन्हें शॉर्टकट से समझाया जाता है, तो वो फिर उस पर अमल करते हैं। मैंने बग़ौर देखा है कि और इन बच्चों के अंदर ज़रा भी कोई ऐसी सलवट नहीं थी, ना जिस्म में, ना इनके लिबास में, और बिल्कुल एक पूरी आर्मी की तरह लगते थे कि जी बिल्कुल सही उस किसी आर्मी अफीसर ने इन्हें ट्रेनिंग दी हो, तो ये ट्रेनिंग देने वालों का भी कमाल है। और ये वो चीज़ें हैं कि डिसिप्लिन बहुत आला चीज़ है, डिसिप्लिन नहीं तो कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और ये हमारी दस्तकें जो हैं, हाँ वो स्कूल हाई स्कूल हों, कॉलेजेस हों, प्राइमरी स्कूल हों, या हमारी दीनी मदारस हों, तो सबके अंदर ये इंतहाई ज़रूरी है कि एक अच्छा सलीका उन्हें सिखाया जाए, एक सलीके के साथ रहें। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम अखलाक हसना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया है उसमें डिसिप्लिन है। लेकिन नमाज है, नमाज तो नमाज का हुक्म मिला, उसमें भी डिसिप्लिन, उसमें सफ बंदी है, लेकिन उस सफ के अंदर कितनी सादगी के साथ फरमाया गया कि टखने से टखना, कंधे से कंधा मिला रहे और एक सफ में खड़े हो जाओ। और ये सफ बंदी का सबक पांच वक्त जब आदमी नमाज अदा करता है पाजामात, तो उसे ये ट्रेनिंग होती है कि इंतहाई एहतराम के साथ और पूरे एक सुकून के साथ, जिस तरह ज़ाहरी तौर पर आज एक जब एक आदमी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो पीछे के दौरान उसे पता होता है कि मेरा सिखाने वाला मुझे देख रहा है, और मेरी कमज़ोरी कोई सामने आई तो वो मुझे पूछेगा। तो जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो, सफ बंदे, उसके दिल में ये हैबत मौजूद होनी चाहिए कि मैं उस अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ जो मेरा खालिक भी है, मेरा रब भी है, मेरा मालिक भी है, हर शय का मालिक है, मैं उसकी बारगाह में जवाबदेह हूँ। तो ये सारे एहसास उसके अंदर जब उभरेंगे, मौजूद होंगे, खड़ा होगा, फिर उस सफ बंदी की और फिर नमाज के अंदर जो लुत्फ होगा वो फिर अपनी मिसाल आप होगा। तो ये एक अखलाक ही हैं और ये इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
जो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी मक्का शरीफ के अंदर, जैसा कि आप पढ़ते सुनते रहते हैं, उसको फिर दिल दिमाग में बिठाएं और गौर करें कि एक बच्चा पैदा हुआ मक्का की सरजमीन के अंदर और उसकी तरबियत उसी शहर में होती है, गिर्द नवा में होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो परवान चढ़ता है, तो उस माशरे की हालत यह है कि वो लोग बच्चियों को जिंदा दर गौर करना ये एक अलग है, लेकिन जगह जगह बुत रखे हुए हैं और उन बुतों की पूजा कर रहे हैं और वहाँ हराम खोरी है, शराब नोशी है, तरह तरह की बुराइयाँ वहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती है कि जिसके अंदर वो मुआशरा जो है वो असर नहीं करता है, उसी मुआशरे में रहते हैं लेकिन उनके अंदर वो मुआशरा असर नहीं कर रहा, वो उनसे रंग नहीं पकड़ रहे, ना बुतों के पुजारियों के से मुतासर हो रहे हैं, ना दूसरे जो लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं कारोबार की जो शरी या ऐसे के जो माशरती बुराइयाँ हैं उनसे भी बचे हुए और दूर दूर रहते हैं, बल्कि ताज्जुब की बात ये होती है, इस पर ताज्जुब होता है कि ये कमाल है कि वही सोसाइटी जो खुद बुराइयों में मुलव्वस है और एक फर्द जो उनकी उनका काम नहीं करता, बुतों से दूर है और शराब से दूर है, हर बुराई से दूर है, उसको वो अपनी तरफ से जो टाइटल देते हैं वो सादिक और अमीन का टाइटल देते हैं, कहते हैं कि ये सादिक और अमीन है। सादिक और अमीन वो सोसाइटी कह रही है कि जो सोसाइटी खुद अपने आप को गोया वो सादिक नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को अमीन नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये दो सिफात जिक्र की और ये अखलाक का मजमुआ है, ये एक सादिक शख्स एक अमीन शख्स हो, तमाम अखलाक अगर गौर किया जाए तो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप जानते हैं कि सैयदना ज़रूर वसीफ़ पाकर के अल्लाह ताला ने आप जब सफरे इल्म के लिए बगदाद के लिए रवाना हुए तो वालिदा ने क्या कहा था आपको याद है, आपने सुना आपने पढ़ा, आजकल पता नहीं हमारे उर्दू की किताबों में वो बातें मौजूद हैं या नहीं है, कभी कभी होती थी इस तरह की बातें, कि आपने क्या फरमाया, वालिदा ने फरमाया कि बेटे सच बोलना है झूठ नहीं कहना है, सच बोलने की तलकीन फरमाई और फिर उस सच की बरकत क्या हुई कि जो डाकू माल लूटने वाले थे जब उन्होंने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई माल है, फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरे इस जुब्बे के अंदर मेरे इस बगल के नीचे सिए हुए हैं, उस हैरान होकर बोला कि आपने सच बता दिया, फरमाया हाँ मैंने सच बता दिया इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटे झूठ नहीं बोलना सच बात कहनी है, इतने जुमले कहने थे वो डाकों का सरदार सर उसका झुक जाता है, आंसू जारी हो जाते हैं, परेशान होकर बोलता है ऐ नौजवान तूने अपने माँ का हुक्म न भूला, मैं अपने खुदा के हुक्म को भूल चुका हूँ। अब ये सादिक होना सच में परवान चढ़ रहे हैं जिनकी अपनी ये सीरत नहीं है, पर उनकी सीरत को देख करके वो सादिक और अमीन का नाम आपको देते हैं, और हालांकि अभी कुरान करीम नाजिल नहीं हुआ, अभी तो 40 साल की आपकी उम्र शरीफ होगी तो कुरान करीम नाजिल होना शुरू होगा, अभी पहली स्टेज है, उसी स्टेज के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि सादिक और अमीन, उन्हें किसने बताया था कि सादिक और अमीन हैं, ये लफ्ज़ इनके लिए बोले जाने चाहिए। पता चला कि जब इंसान किसी खारजी दबाव के बगैर किसी के बारे में कोई फैसला करता है, सोचता है और ध्यानत और इंसाफ से काम लेता है तो फिर उसकी ज़ुबान से वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई कि ये शख्स सादिक और अमीन है, तो उन्होंने सादिक और अमीन के तहत से आप याद किया। तो सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि ये बहुत बड़ा एक अखलाकी कदरों में से एक ऐसी कदर है कि इसके ऊपर बुनियाद है कि जैसा कि मैंने वसीफा का हवाला दिया कि उसने फौरन उसका जहन सरदार का गया, डाकों का सरदार कहता है कि मैं खुदा का हुक्म भूल गया। अब बहुत सारी बातें हैं, यानी कि आप सुनते रहते हैं, मैं लंबी बात नहीं करूँ, मैं आपको स्कूल ही के हवाले से एक दो बातें सुनाता हूँ। मैंने एक मरतबा एक अखबार में
मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने पढ़ा और उसमें वो लिखता है कि एक दोस्त उसके होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो उसके दोस्त जो हैं वो इस नहज के आदमी हैं कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर उनका बड़ा बड़ी इज्जत लेता है और हर महकमा उनका एहतराम करता है और उस आदमी की जिंदगी इंतहाई साफ सुथरी और कई आला अवार्ड्स हासिल उसने किए हैं। वो उसकी जब उसकी मुलाकात होती है तो उस शख्स की उम्र 80 या उसके वो कहता है, लिखता है कि इंतहाई उसने एक सांस ली लंबी 2-3, फिर वो बोला, कहने लगा कि मेरी इस किरदार में, मेरी इस शख्सियत बनाने में जिसका किरदार है उसका नाम है मास्टर अल्लाह दित्ता, मास्टर अल्लाह दित्ता। उनका मैंने नाम सुना, मैंने पूछा अच्छा वो मास्टर अल्लाह दित्ता कौन है, उसका हुदूद अरबा क्या है, मुझे बताओ तो सही कि किससे तुम उससे मुतासिर हुए हो। तो फिर उसने ये बताया कि मैं 10वीं का तालिब इल्म था। वो कहता है मैं 10वीं जमात में पढ़ता था तो स्कूल के अंदर एक दिन ये कहा गया कि ए तलबा, एक कल तुम्हारे एक उस्ताद आएंगे जो तुम्हें एक हफ्ते के लिए अपने लेक्चर्स वगैरह देंगे। तो हम मुंतजर थे, दिन गुजरा, दूसरा दिन आया तो हम लोग 3 क्लासें जमा कर दी गई, 8वीं 9वीं 10वीं, 3 क्लास को इकट्ठा करके तो मास्टर साहब के हवाले कर दिया गया। अब सब बैठ गए तो मास्टर साहब तशरीफ लाए, लंबा काद उनका, उनके बारे में बताया गया कि ये मास्टर साहब जो हैं अल्लामा इकबाल के साथ दर्जनों उनकी मुलाकातें सिटिंगें हुई और बहुत एक ट्रिपल एमए थे वो, तो उस जमाने में उस दौर के अंदर। तो कहते हैं कि जब वो आए और कुर्सी पर आके बैठ गए ब्लैक स्लैक के बाद, फिर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। अब वो मास्टर साहब उठे और उन्होंने चौक लिया और उसके साथ जो है उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन बनाई, लकीर खींची, ऐसे खींच करके बैठ गए। सब तलबा देखने लगे, 8वीं 9वीं 10वीं जमात तीनों की ये लकीर बनाई, अब से लकीर को देख रहे हैं। मास्टर साहब ने सवाल किया, बच्चों तलबा ये बताओ कि तुम में से कोई ऐसा है जो इस लकीर को, लाइन को छुए बगैर, टच किए बगैर, हाथ लगाए बगैर इसको छोटा कर दे। लाइन बना दी बोर्ड के ऊपर, कहा कि टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना और इसे छोटा करके देना इस लाइन को। सब बच्चे सोचते रहे और फिर आखिर एक ने कहा कि सर ये मुश्किल है कि छुए बगैर, छोटा तो किया जा सकता है पर छूना भी पड़ता है, हाथ भी लगाना पड़ेगा छोटा करने के लिए। तो उन्होंने बाकी की तरफ देखा, ये क्या कहते हैं, तो साहब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, सर हलाया कि हाँ जी, कहता तो ठीक है कि टच किए बगैर हम इसे छोटा नहीं कर सकते। तो वो मास्टर अलादिता साहब मुस्कराए, मुस्कराने के बाद उठे, उठने के बाद वो जो लाइन उन्होंने खींची थी उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ी लाइन बना दी, एक बड़ी लाइन बना दी। तो फरमाने लगे कि देखो ये लाइन छोटी हो गई कि नहीं हुई, जो लाइन पहले बनाई थी वो छोटी हो गई कि नहीं हुई। अब जाहिर है कि वो छोटी नजर आ रही थी, ऊपर वाली बड़ी थी। फिर कहने लगे देखो इसमें सोचने की बात यह है, समझने समझाने की बात यह है, इससे ये हमें सबक मिलता है कि बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, बगैर किसी को क्रिटिसाइज किए, बगैर किसी पर इतराजात जड़, बगैर किसी की किरदार खुशी किए, जी ये क्या है कि तुम ऐसा कर सकते हो कि तरक्की पा लो, इतनी तरक्की कर लो
कि खुद बहुत तुम बड़े हो जाओगे और उनको छोटा कहने या करने या नुकसान पहुंचाने के बजाय तुम इसके बगैर टच किए तुम ऐसे मुकाम पर चले जाओगे कि तुम्हारा मुकाम ऊंचा होगा। अब ये स्कूल की तालीम है। अब उस वक्त के स्कूल सादा लोग मास्टर अल्लाह देता, अब कोई ऐसे नाम भी उनके होते थे। वाकई अल्लाह देता नाम तो सादा सा लगता है पर अल्लाह देता ही था, इसीलिए कि उसके दिल दिमाग में ये बातें थी, ये चीजें थी। अब उसकी ड्यूटी ये थी कि तुमने ये अखलाकी तरबियत करनी है स्कूलों के अंदर कॉलेजेस के अंदर। उन्हें बड़ी ऑफरें लिखते हैं कि उन्हें बड़ी ऑफरें कि आपको ये मनसब देते हैं। उनका नहीं, मेरे मुर्शिद ने मुझे ये कहा है कि तुमने स्कूल में स्कूल के तलबा को सिखाना है क्या अखलाक, अखलाकी तालीमात उन्हें देनी है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने कहा स्कूलों की जिंदगी मास्टर बन के ही रहूँगा और जहाँ बच्चों की तरबियत होती है मैं उस तरबियत में हिस्सा लूँगा। इनका रोशनाई का सही का एक नुक्ता डाल दिया, उस तो पेपर को लगा दिया और सफेद पेपर है, दरमियान में स्याह नुक्ता है। पूछा बच्चों ये बताओ कि तुम्हें कोई चीज नजर आती है? सबने कहा जी क्या नजर आता है? उनका स्याह नुक्ता, बस यही नजर, और कुछ नहीं नजर आया, बस यही नजर आता है। फिर वो मुस्कुराए, कहने लगे अजीज बच्चो तुम्हें ये इतना बड़ा सफेद कागज नजर नहीं आया, उसके अंदर एक काला नुक्ता तुम्हें नजर आ गया है लेकिन ये सफेद कागज तुम्हें नजर नहीं आया। तो फरमाने लगे कि देखो हम दूसरे लोगों की एक गुताही छोटी सी जो है हम उसको नजर में रख लेते हैं और उसके जो नमाया और साफ जो उसके किरदार है हम उसको पसे पुष्ट डाल देते हैं। हम कहते हैं उसी एक चीज को लेकर के क्रिटिसाइज करते हैं सबके सामने, उसे बेनकाब करते हैं लेकिन उसकी खूबियों पर हम नजर नहीं रखते हैं। उन्होंने ये सिखाया, बताया कि दूसरों के ऐब गिनना वो दूर दूर से नजर आ जाते हैं, बजाय इसके दूसरों की खूबियां देखा करो और उनकी कसीर खूबियों के पेश नज़र किसी मामूली चीज पर जो है नजर न रखा करो। तो ये वो अखलाकी अकदार हैं जो सिखाई जाती है। कभी ये इल्म होता है जुबान से सिखाने का, लेकिन नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक ऐसी है कि 40 साल के अंदर आपने सिर्फ मुआशरे के अंदर 40 साल गुजारे हैं, जुबान से आपने कुरान करीम नाजिल नहीं हुआ अभी ना आपने पढ़ के उन्हें सुनाया है, आपने उनके अंदर 40 साल गुजारे हैं और वो गुजारने के बाद जब उन्होंने मौजा पूछा जब आपने दावत इस्लाम दी तो फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है फ़कद लबिस्तु फीकुम उमर मिन क़ब्ली अफला तअक़िलून, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे अंदर 40 साल जिंदगी गुजार चुका हूँ, तुम्हें अभी पता नहीं चला कि 40 साल की जिंदगी के अंदर कोई मेरा कोई ऐप बताओ, कोई ऐसा एक चीज़ बताओ कि जो मैंने किसी सोसाइटी या माशरे के अकदार के खिलाफ किया हो, कोई बात बताओ। जब ऐसा नहीं बता सकते हो तो फिर समझो कि ये सच्चे की जिंदगी हो सकती है, ये किसी झूठे की जिंदगी नहीं है। जब मैं एक सच्चा इंसान हूँ तुम साधु कर अमीन मुझे मानते हो तो फिर ये मान लो कि 40 साल जिसने अपनी सच्चाई किसी का मनवाया है आज जो वो दावा करता है वो भी सच्चा है। इसलिए आपने अपनी सच्ची और सच्ची जिंदगी को आपने पेश फरमाया और आपने ये बताया कि मैं जो भी मिशन लेके आया हूँ, जो मैं दावत दे रहा हूँ, ये सब सच्चाई पर मबनी है, इसके अंदर जरा पर भी ऐसी बात नहीं। तो मेरे दोस्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाना ये इसलिए भी अहम और ज़रूरी है कि हम आपकी सीरत के हर गोशे को देखें। हम आपकी पैदाइश भी मनाते हैं, सीरत भी मनाते हैं। तो सीरत जो होता है ना ये फुल कंप्लीट किसी की लाइफ होती है पैदाइश से लेकर के वफा तक, सारी को उसको सवाने कहते हैं, सीरत कहते हैं जी। पर सीरत शुरू तो पैदाइश से ही होगी ना, अगर कोई पैदाइश का नाम लेके शुरू करता है वहाँ से बयान करता है तो भी ठीक है, सीरत का कोई प्रोग्राम करता है वो भी ठीक है, यानी ये नहीं कि वो मुनाफी है इसके, नहीं, पर अब शुरू तो वहीं से होगा ना। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद दुनिया में हुई तो वो ऐसी आम नहीं थी बल्कि एक खास नौयत के साथ, इसीलिए अहदीस के अंदर मौजूद है कि हजरत आमना खातून फरमाती हैं कि मेरे घर में बेटा क्या आया कि एक नूर मेरे घर में पैदा हुआ है, मेरे घर में नूर आया है।
तो नूर के लफ्ज़ से उन्होंने ताबीर किया, और ऐसा नूर कि जिसकी रोशनी के अंदर मैंने शाम और उसके कसूर महलात जो हैं वो देख लिए, मुझे वो सारे नज़र आ गए, हत्ता कि मैंने कैसर और किसरा के तख्त, ये सारी चीज़ें मेरी नज़र के सामने आ गईं उस नूर की लाइट के अंदर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से लेकर के ये ज़िंदगी आपकी 40 साल जो गुजरी उसी नूर और लाइट के साथ, लेकिन ज़बान से आपने किसी को दावत इस्लाम ना दी, लेकिन आप चलता फिरता इस्लाम थे। इसलिए 40 साल के अंदर आपने जितनी ज़िंदगी गुजारी, 23 साल का बाद का ज़माना है जिसमें कुरान करीम हदायतनामा उतरा है, वो 23 साल में उतरने वाला कुरान उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई अमल नहीं आपका जो पिछली 40 साल जिंदगी का है। माना यह है कि वो भी कुरानी जिंदगी थी, ये भी कुरानी जिंदगी है, और इसीलिए फरमाया हुआ इन्नका लाला खुलुक नजीम। उमर बिन आशा ने इसीलिए फरमाया कि हुजूर के खुलक का पूछते हो तो कुरान नहीं पढ़ते हो, कुरान पढ़ के देखो सारा कुरान उन्हीं का तो खुलक है, उसी का नाम है। वह हुजूर भी अल्लाह की किताब है और कुरान भी अल्लाह की किताब है। मैंने ये कोशिश की अपने अजीज़ तलबा को ये बात, एक तो आपने डिसिप्लिन जो सिखाया बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत मुतासर हुआ हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह ताला आप इसमें और मज़ीद तरक्की करेंगे। दूसरा, असातिज़ा ने जिस हिकमत के साथ इन बच्चों को तैयार किया है तो यकीन माने कि मैं बहुत खुश हूँ, स्पेशली अपने इस स्काउट को देख करके, इन बच्चों को देख करके, तो इन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने सीन पेश किया है। और फिर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि असातिज़ा जो है तो उनकी बात ध्यान से सुने, जैसा कि मास्टर अला दत्ता आए, तीन क्लासें थीं, कोई बच्चा भी बोल नहीं रहा था, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, उन्हीं की तरफ देख रहा था, उन बोर्ड की तरफ उठे तो उनको देख रहा था, बोर्ड के ऊपर लाइन बनाए देख रहे थे, पूछा तो सुन रहे थे। अब एक अच्छा शागिर्द जो होता है तो अपने उस्ताद की हर बात को पूरी जहन के साथ, उसे पूरे ध्यान के साथ सुनता है, जहन में डालता है, और फिर जो बातें वहाँ से सीखी जाएं अपनाएं, तो फिर मास्टर अलादिता के पढ़े हुए लोग जो हैं वो फिर बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, वहाँ फायज होकर के भी अपने मास्टर अलादिता को भूलते नहीं हैं, वो हमेशा याद रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की तमाम एहसानात जो उसका करम हम बंदों पर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमें उम्मती बनाया और हमें मेहनती असातिज़ा दिए, हमें वक्त मिला, हमें ज़िंदगी मिली, और हम इसमें इल्म के नूर जो है वह हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला अब जनाब हज़रत क़िबला पीर साहब और तमाम मेहमानान गिरामी के साथ इज़हार तशक्कुर करने के लिए आएंगे अदर आज़ा के सदर मौलम जनाब मुश्ताक अहमद साहब। जनाब मोहतरम पीर साहब, मज़ा साजा इकराम और तालीमी कमेटी के मेम्बरान और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे अदारा में हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, तो इस मरतबा रवायत से हटके हमारे पीटी जुल्फकार साहब ने इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने स्काउट दस्ता तैयार किया है, इनके साथ जो मावनत किया है इसरार साहब ने किया है और साथ सजा साहब, तो इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो स्कूल के साथ है उन्होंने भरपूर तावन किया है, तो ये एक स्क्वाड जो हमने तैयार किया है दो दिन के अंदर, सिर्फ दो दिन है, अभी बच्चों को प्रैक्टिस भी नहीं है, तो अभी इनमें परफेक्शन नहीं है, तो ये इनकी बहुत बड़ी कावश है, तो अदारे के लिए ये काम कर रहे हैं। तो पीर साहब हमारे अदारे में तो हमारे लिए बायस से रहमत है कि अल्लाह ताला का पैगाम इन्होंने दिया है, तो ये इस इलाके की रूहानी शख्सियत है, तो इनके बेशमार पैरोकार है, बल्कि मेरे एक दोस्त है डीओ मुजफ्फराबाद पीर सईद साहब बुखारी, तो वो अक्सर फोन पे जब कभी बात होती है, बीमार आजकल, तो वो पीर साहब को मुझसे जिक्र करते होते हैं कि मैं उनके आस्थाने आलिया पे गया,
तो दो दफ़ा मैं आया हूँ तो मेरा सलाम देता हूँ, लेकिन मैं भी जब इधर आता हूँ तो सुबह स्कूल आने की जल्दी होती है, वापसी में घर जाने की जल्दी होती है, तो सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम पर से पहले पहुँचूँ और छुट्टी करके 2 बजे के बाद कर लूँ, तो इस तरह मैं तो इससे आने जाने में, हाँ कभी कभी नमाज पढ़ने जाता हूँ मस्जिद में जब टाइम मेरे पास होता है तो नमाज पढ़ के, तो वहाँ अगर इनसे मुलाकात हो जाए तो मुलाकात कर लेता हूँ, तो वरना नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, तो वो भी काफ़ी दिनों से अब उधर भी नहीं जा सका, तो अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज अता फरमाए कि ये हमारे इलाके की एक रूहानी शख्सियत है, तो इनके लाख उम्र दीन है, तो अल्लाह ताला से ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको मजीद मौका दे इस अदारे में आए, बच्चों को कम कम, हमें भी मेहमाना तौर पर ऑर्डर है कि एक आध लेक्चर कोई भी जो पर्सनैलिटी है उसको बुला लिया करें, तो इंशाल्लाह हम रेगुलर करेंगे, चाहे पुलिस का बंदा हो, आर्मी का बंदा हो, या किसी भी इलाके का जो भी इलम याफ्ता तालीम याफ्ता आदमी वो इधर आए, एक दिन हम उस पर वक्फ किया करेंगे, आधे घंटे का या घंटे का लेक्चर दे तो बच्चों को मोटिवेशन मिले, तो मैं चाहता हूँ कि अदारा ग्रो करे, तो मुझे भी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं इधर, 20 तारीख को मैं इधर आया था, 20 दिसंबर 2018 को, तो 21 को ज्वाइन किया था, तो अब ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, तो आगे का पता नहीं कितना अरसा हो, लेकिन जो अरसा यहाँ पर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अदारे की डेवलपमेंट हो, तो आखिर में अपने मेहमान ग्रामी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अदारे में तशरीफ लाए, और तमाम मजीन इलाकाजात का मैं शुक्रगुजार हूँ, और तमाम तलबा का और मेरी टीम का, खासकर जो हमारे साफी रात हैं इनका भी, कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, तो इन्हीं अल्फाज में मैं इख्तिताम करता हूँ, अल्लाह ताला मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। दुआ होगी तमाम बच्चों से, यहीं बैठे रहे, यहाँ से हिलना नहीं है, दुआ में शामिल इसके बाद यहीं बैठे रहना अपने सामने, ठीक है। الحمد لله رب العالمين اللهم الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ارحمنا يا مولانا روح الجلاله واكرمنا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك